आप जो मेरे साइड पे जो वीडियो देख रहे हैं उसमें जो है वो लाइक्स वो दिख रहे हैं, और अगर यही वीडियो आप इस साइड पे देखेंगे तो उसमें लाइक्स जो है वो दिख नहीं रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, अगर आप अपने लाइक्स को ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊँगी कि कैसे आप अपने लाइक और डिसलाइक को हाइड कर सकते हैं। अगर आपके वीडियो जो में व्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन उसके लाइक्स कम है तो इसका भी इंप्रेशन जो है वो व्यूवर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा पड़ता है। अगर आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है लेकिन उसमें लाइक्स कम है तो कोई भी उसे और भी कोई जो भी व्यूवर्स उसको न्यू व्यूवर्स उसको देखेंगे जब तो उसको कोई भी लाइक नहीं करेगा, क्योंकि लाइक्स को हाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यूट्यूब को ओपन करना होगा। यूट्यूब को ओपन करने के बाद उसमें अपना चैनल खोल लीजिए। चैनल में आप कोई भी इसमें से वीडियो जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक वीडियो ले लीजिए जिसमें व्यूज़ जो लाइक्स है वो दिखाए गए हैं, सामने दिख रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए मैंने एक वीडियो जो है वो सेलेक्ट की है, उसमें जो है वो लाइक्स डिस्प्ले हो रहे हैं, ये वाली नहीं है, ये गलती से हो गई है मेरे से। हम और कोई वीडियो ले लेते हैं जिसमें लाइक्स जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं, ये नीचे वाली सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें जो लाइक्स हैं वो दिख रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों इसमें जो है लाइक्स है 483 लाइक्स दिए गए हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इसको हाइड कर सकते हैं। आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको ये जो यूट्यूब है इसको बंद करना है, इसको बंद कर दें और आप वाइट स्टूडियो को ओपन कर लें। वाइट स्टूडियो को ओपन करने के बाद आपको जो नीचे दी गई ऑप्शन है, कॉन्टेंट ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसमें से यही वीडियो आपने जो है वो नीचे जो 5 ऑप्शन दी गई इसमें से सेकंड ऑप्शन जो कंटेंट वाली इसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यही वीडियो जो आपने उधर देखी थी अपने चैनल की उसको जो है इसमें से सिलेक्ट जो है वो क्लिक कर ले, ओपन कर ले। ये देखिए मैंने इसको जो है इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लिया है, ये आपके सामने ओपन हो गई है। और इसके साथ जो ऊपर पेंसिल वाला जो साइन बना हो उसके ऊपर आप क्लिक कर लें। पेंसिल वाले साइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो कुछ इस तरह से नीचे वाले जो इसका जो सारा इन्फॉर्मेशन है वो सारी दिखेगी, जैसे टैग्स, कैटेगरी, कमेंट्स जहाँ लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो सारे टैग्स हैं जो ओपन हो जाएंगे, इसके नीचे सबसे नीचे आ जाइए, इसके जहाँ लिखा हो ना शो हो मैनी व्यूवर्स लाइक दिस वीडियो, जस्ट इसी ऑप्शन को आपने जो यहाँ पे टिक लगा हुआ इसको आपने सिलेक्ट कर देना है। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप इसके लाइक्स देखेंगे, अगर आप इसको जो है डिसलेक्ट करते हैं तो आपको जो लाइक्स है आपके वीडियो के वो दिखने बंद हो जाएंगे। तो और सेव कर दीजिए वापस आके। अब देखिए हम इसको अब हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम फिर से YouTube स्टूडियो को YouTube को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद उसमें जो चैनल है आपका उसको ओपन कीजिए और उसमें आप जहाँ इससे इधर से ही आप अपनी वीडियो को देख सकते हैं कि इसके जो लाइक है वो डिस्प्ले हुए हैं कि या नहीं हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको ओपन करते हैं, प्ले करके देखते हैं। ऊपर जो स्विच है उसके ऊपर क्लिक कर लें, ये जो थर्ड ऑप्शन ऊपर दी गई है उसके ऊपर क्लिक कर लें। आप क्लिक करके देखेंगे कि आपकी वीडियो जो है उसके जो लाइक्स हैं वो दिखने बंद हो गए हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने वीडियो के जो लाइक्स और डिसलाइक हैं उनको कैसे हाइड कर सकते हैं, ये मैंने आपको इस वीडियो में आपको बताया। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएगा, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तब भी आप इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे आपके सामने।